दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि SBI में पर्सनल लोन हम कैसे लेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और दोस्तों कितने प्रकार के पर्सनल लोन होते हैं और दोस्तों इसके अलावा भी कौन लोन होते हैं और हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले ये बता दें दोस्तों SBI का जो पर्सनल लोन है वो सभी बैंकों से सबसे कम इंटरेस्ट लेता है, इसलिए दोस्तों जब भी आप पर्सनल लोन लेना चाहें तो SBI से ले। हालांकि मैं भी लोन देता हूं दोस्तों, मगर अलग ब्रांच में है, अलग बैंक है मेरा, इसलिए दोस्तों मैं अपने बैंक का तो नहीं बता रहा हूं, SBI बैंक का दोस्तों बता रहा हूं। चलिए दोस्तों सबसे पहले लोन के बारे में बता दूं। लोन दोस्तों SBI दो प्रकार का देता है, एक दोस्तों सिक्योर लोन, एक होता बिना सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में दोस्तों होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, ये सब दोस्तों सिक्योर लोन है, मगर दोस्तों पर्सनल लोन बिना सिक्योर लोन है। ऐसा लोन दोस्तों जिसे अगर आप लेते हैं उसके बदले में कुछ एवज में देते हैं, जैसे गोल्ड देते हो, कार है दोस्तों, होम लोन है, तो दोस्तों ये सिक्योर है। अगर बैंक में आप नहीं दीजिएगा तो आपका वो कार ले लेंगे, वो घर है दोस्तों वो ले लेंगे, या दोस्तों गोल्ड ले लेंगे। लेकिन दोस्तों पर्सनल लोन दोस्तों आपका रिलेशनशिप क्रेडिट पर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हैं। पर्सनल लोन देने में दोस्तों बैंक आपको कुछ क्राइटेरिया देखता है और ये लोन दे देता है। पर्सनल लोन देने के लिए दोस्तों बैंक चार क्राइटेरिया, चार प्रकार रखे हैं, तो चलिए दोस्तों चारों प्रकार को देख लेते हैं। पहला दोस्तों SBI क्विक पर्सनल लोन। दोस्तों अगर आपका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और दोस्तों आपका सैलरी अदर बैंक में आता है, SBI में नहीं आता, तो आपको मिलेगा SBI क्विक पर्सनल लोन। दोस्तों इसमें आपका एज 21 साल से 58 साल होना चाहिए और दोस्तों मिनिमम आप 1 साल तक काम किए होना चाहिए दोस्तों, और दोस्तों आपका पेमेंट 15,000 या उससे ज़्यादा होगा तभी मिलेगा दोस्तों। दोस्तों ये सैलरी के अनुसार आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम है। इसमें दोस्तों मिनिमम 24,000 मिलेगा और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो EMI होगा दोस्तों आपका सैलरी का 50% तक ही हो सकता है। जैसे आपका सैलरी 40,000 है दोस्तों, तो 20,000 तक ही आप EMI पेड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों SBI क्विक पर्सनल लोन। और दूसरा है दोस्तों SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। दोस्तों आपका सैलरी SBI में ही आता है दोस्तों और आपका सैलरी 15,000 या इससे ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन मिलेगा दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों पहले ही जैसा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाता है आपको, इसमें ओवरड्राफ्ट को भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। बहुत लोगों को ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं पता है दोस्तों। आपको एक बैंक लिमिट दे देता है दोस्तों कि इतना अमाउंट तक आप कभी भी ले सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट का दोस्तों, आपका अकाउंट खुल जाता है ओवरड्राफ्ट दोस्तों। जैसे दोस्तों आपका 20 लाख का ओवरड्राफ्ट अगर ओपन हो गया कि 20 लाख तक आप ले सकते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों आप 20 लाख तक ले सकते हैं, उसका इंटरेस्ट दे सकते हैं, फिर जमा कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे आपको 20 लाख का ओवरड्राफ्ट खुला, तो ऐसा नहीं कि 20 लाख लीजिएगा, अगर आपको 2 लाख का भी ज़रूरत है दोस्तों तो जाइए 2 लाख रुपया लीजिए, और दोस्तों आपको 2 लाख पे ही इंटरेस्ट पड़ेगा, ये ना कि 20 लाख का। आप जितना अमाउंट निकालिएगा दोस्तों उतना अमाउंट का ही आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, आप इंटरेस्ट के साथ उसे जमा कर दीजिए दोस्तों। ये ओवरड्राफ्ट भी फैसिलिटी मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही लोन डिसबर्समेंट हो जाता है दोस्तों, तो फिर से आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। यानी डिसबर्समेंट मतलब होता है दोस्तों जैसे ही लोन आपको मिल जाता है तो दोस्तों दोबारा से आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही मुख्य अंतर है SBI क्विक लोन और SBI एक्सप्रेस लोन में। इसमें एक्सप्रेस लोन में दोस्तों आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाता है क्विक लोन से। अगर आपका अकाउंट दोस्तों SBI में है और उसी में दोस्तों पेमेंट आता है, सैलरी आता है आपको, तो आपको SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन मिल जाता है दोस्तों। इसमें भी किसी तरह का कोई गारंटर नहीं चाहिए दोस्तों, सेम है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके अलावा आप चलिए नेक्स्ट लोन पर चलते हैं दोस्तों, जो SBI पेंशन लोन। ये दोस्तों जिन्हें पेंशन मिलता है उन्हें ये लोन दिया जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पेंशनधारी है उनका उम्र 75 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 76 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो आपको ये लोन मिल जाता है। और दोस्तों ये शर्त है कि दोस्तों वो सेंट्रल के एम्प्लॉय होना चाहिए या दोस्तों स्टेट के, तब भी ये लोन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो पेंशन आ रहा है वो SBI के अकाउंट में ही आना चाहिए और दोस्तों उनका एज 76 साल से कम, तो दोस्तों उन्हें मिल सकता है SBI का पेंशन लोन। तो दोस्तों किसी को ज़रूरत होगा तो वो ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके अलावा और एक लोन है दोस्तों जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दोस्तों बैंक भी चाहते कि सबसे ज़्यादा वही लोन दे, वो लोन है दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। ये लोन दोस्तों सबसे आसान तरीका से आपको मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको बैंक में जाना है दोस्तों और सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन यानी दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड ही दीजिए, आपको लोन मिल जाता है दोस्तों। आपको किसी तरह का कोई गारंटर नहीं, ना ही दोस्तों किसी तरह का कोई इंक्वायरी होता है दोस्तों। ये लोन आपको मुख्यतः तब मिलता है दोस्तों जब आप बैंक में अच्छा लेन देन रखते हैं दोस्तों, या इससे पहले आपने लोन लिया हो उसे समय पर चुका दिया है तो दोस्तों प्री अप्रूव्ड यानी पहले से ही अप्रूव्ड है दोस्तों। कभी कभी तो बैंक वाले भी आपको कॉल करेंगे दोस्तों कि आपको लोन चाहिए तो मैं दे दूंगा, आपका लोन इतना पास हो गया है, अगर आप जब भी चाहते हैं ले लीजिए। सबसे आसान और सबसे अच्छा लोन मुझे भी ये लगता है दोस्तों, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन।
अगर दोस्तों आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन चाहिए दोस्तों, आप योनो ऐप से भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। SBI का योनो ऐप आता है दोस्तों, वहाँ भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन है कि नहीं है। वहाँ आपको शो कर देता है कि अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो पर्सनल लोन में सबसे आसान था दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो इतने तरह के आपको लोन होते हैं दोस्तों पर्सनल लोन, किसी में गारंटर नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों लोन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या दोस्तों बैंक रिलेटिव किसी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।